हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंद्रो। सब लोग जानते हो कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का आज स्कोर कार्ड आ चुका है 2024 का। एंड कट ऑफ भी रिलीज कर दिया है। पहले मैंने कट ऑफ का बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो में कि जनरल का कट ऑफ 48.5 जो कि पिछले प्रीवियस ईयर से काफ़ी लो है, एंड EWS का कट ऑफ है 48.5, देन OBC का कट ऑफ है 48.5, तीनों सेम ही है, देन SC का कट ऑफ है 48 एंड लास्टली ST का कट ऑफ है 41। ये था IBPS PO prelims 2024 का कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज। नाउ मेरा अटेम्प्ट कितना हुआ था IBPS PO में, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखो हो देन आई विल प्रोवाइड द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। एंड मेरा जो अटेम्प्ट था IBPS PO prelims में, मेरा थर्ड शिफ्ट में था सेकेंड डे को, एंड वो जो मेरा अटेम्प्ट था रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट था 19 एक्यूरेट था। देन क्वांट में मेरा अटेम्प्ट था 13, दैट इज़ वेरी लो, एंड इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट था 23, ठीक है। एंड नाउ आई विल डिस्कस माई स्कोर्स एंड वो भी बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। अभी मैं बोलूंगा मेरा स्कोर कार्ड तुम लोग देख रहे हो, ये रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट था 19 एंड आई गॉट 19.25, तो इसमें शायद नॉर्मलाइजेशन हुआ मेरे शिफ्ट में। देन इंग्लिश का मेरा अटेम्प्ट था 23 एंड आई गॉट 16.5, शायद मैंने कुछ रॉन्ग किया। एंड देन क्वांट के लिए मेरा अटेम्प्ट था 13 एंड आई गॉट 16.75, तो आई थिंक दैट नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल हुआ इस नंबर को पाने के लिए। एंड माय टोटल स्कोर हुआ 52.50, तो मेरी शिफ्ट में दैट वाज 4th अगस्त थर्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो यही था इस वीडियो का मकसद, टू लेट यू नो व्हाट माय स्कोर इज एंड माय अटेम्प्ट वाज, ठीक है। तो चलते हैं, एंड जो जो एस्पिरेंट पढ़ाई कर रहे हो वो स्टडी हार्डर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।